Hello my dear friends, welcome back to a new video. How to get continuous first 10 in 5.3.0 version. वो ट्रिक है ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ है वीडियो. वो है मोर देन 12 कंटिन्यूस 10 मुझको मिल गया है ये वीडियो में. जस्ट मिनिमाइज करना है वो काफ़ी नहीं है. वो ये वीडियो एंड तक देखने में आपको पता चल जाएगा वो कैसे करना है, कब करना है. देखो फ्रेंड्स, सबको 10 मिल चुका है सेकेंड टाइम एंड ये टफ पैटर्न है. मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से गेम खेल फिनिश करके दिखाऊंगा 10 कैसे मिलना है. देखो ये मैं ऐसे एक प्रॉब्लम कर दिया. देखो यार उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो जीत गया है. ओके ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में जीत जाऊँगा. ओके ये मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैच में मिनिमाइज करूँगा क्योंकि मेरा 10 था इसलिए मैं मिनिमाइज करके आऊँगा. ये मैच आने के पहले, मुझको कंटिन्यूस 10 मिलने के पहले ओपनर को कंटिन्यूस 10 जा रहा था, तो वो साइन है हमको भी कंटिन्यूस 10 मिलने का टाइम आ रहा है. तो ओपनर को 10 जाने के टाइम में मैं क्या किया, मैं दुबई खेलकर सारा 10 ओपनर को दे दिया. उसके बाद मुझको 10 आ रहा था, वो टाइम में मैं न्यूयॉर्क आया. न्यूयॉर्क में और सिंगापुर में कोई फ़र्क नहीं है. मेरा वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ एडजस्ट करना गाइस. 10 ये मैच हमारा 10 था इसलिए मिनिमाइज करके आऊँगा. ओके, तो जस्ट मिनिमाइज करने में काफ़ी नहीं है, तो कंटिन्यूस 10 हमको मिलने के पहले ओपनर को कंटिन्यूस 10 मिलेगा, वो साइन है हमको कंटिन्यूस 10 आ रहा है. तब तक हम छोटा स्टेज चूज़ करना, लाइक दुबई और मुंबई और इंस्टाबुल पेरिस, किसी भी. थोड़ी ये कंटिन्यूस 10 ओपन को जाने के बाद हमको 10 मिलने शुरू हो जाएगा, वो टाइम में हम सीधा न्यूयॉर्क और बिग स्टेज खेलना शुरू करना. ओके, ये भी हमारा 10 था इसलिए मिनिमाइज करना. अगर पहला गेम ओपनर का 10 है तो मैं मिनिमाइज नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमारा 10 है ना, देखो हम मिनिमाइज करना, नहीं तो हमको 10 नहीं मिलेगा. ओके, तो शुरुआत में हमको कंटिन्यूस 10 नहीं मिलेगा, तो खेल के हमको कंटिन्यूस 10 आ जाएगा. कभी कभी एक टेन ओपनर को ऐसा भी जाता है, वो टाइम में हमको मिलने का टाइम बिग स्टेज और ओपनर को जाने का टाइम स्मॉल स्टेज, ऐसा प्ले करना. ओके, तो शुरुआत में हम छोटा स्टेज में खेलकर टेस्ट करना है, लाइक मुंबई फ्री स्टाइल खेलकर 10 कैसे मिलता है वो टेस्ट करके अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना पहले. ये सेफ टेक्निक है कॉइन्स मेकिंग के लिए. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कॉइन्स मेकिंग एंड कॉइन्स सेफ रखने ये आसान हो जाएगा. ये हम जीत चुका है तो ज़रूर मिनिमाइज करना. कॉइन्स मेकिंग के लिए फ्री स्टाइल अच्छा है क्योंकि कोई हैकर्स नहीं, बिटेन नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर ज़्यादा प्लेयर्स है तो अच्छा से मिल जाएगा. सारा ब्रेक सीखना पड़ेगा. मेरा वीडियो है चैनल पर, मैं डिटेल ट्यूटोरियल बना हुआ है, वो देखकर सारा टर्न अच्छे से सीखो. देखो गाइस, यहाँ पर कोई चांस नहीं है मुझको, मैं एक शॉट ट्राई कर रहा हूँ फ्री स्टाइल में भी, किस शॉट. ओके, मैं ये गेम फटाफट से एंड से दिखाऊंगा, मैं जल्दी फिनिश करके दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ये पूरा देखना है ये सीखने के लिए. ये भी हम जीत चुका है. नेक्स्ट मैच मिनिमाइज मस्ट करना, मिनिमाइज नहीं किया तो ओपनर को जरूर ब्रेक 10 जाएगा, तो हमारा 10 है तो मिनिमाइज मस्ट है. देखो हमारा 10, ये मैं कैरम बोर्ड में टेस्ट किया. सब में एक ही ट्रिक है, कैरम बोर्ड और फ्री स्टाइल. ये हैंड ब्रेक टू फिनिश मैच है तो मैं नॉर्मल स्पीड से दिखाऊंगा. ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ये पक से पहले पोड करके, ये अकेले रहना पक से ना, ये पक्स में कट करके सोर्स सेंटर स्प्लिट करके नेक्स्ट शॉट है. देखो ये इसी शॉट है, रेड निकालने का ट्राई है. ये रेड अभी भी फंस चुका है, तो ऐसे मैं कोशिश करूँगा रेड ओपन करने के लिए. अभी तक ओपन नहीं हुआ है और रेड फिर से फंस हुआ. ये मैं कैसे करूं, देखो ये ऐसे मैं किस शॉट ट्राई करूंगा रेड निकालने के लिए. अभी भी रेड बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है. देखो एक कनेक्शन शॉट, देखो इतना आसान नहीं है कनेक्शन शॉट. देखो सक्सेसफुली कर दिया रेड फिनिश.
तो गाइस ये भी हमारा 10 है, इसलिए मिनिमाइज करना मत भूलिए, नहीं तो ओपोनेंट को 10 जाएगा। कैरम्स का वो अल्गोरिदम है, तो एक मैच हमको एक मैच ओपोनेंट को ऐसा ही ब्रेक जाता है, तो इसीलिए मिनिमाइज करके आए तो हमको फिर से मिलेगा वो चांस है। देखो मिल गया, अभी भी मिनिमाइज करके भी चांस नहीं मिलेगा, तो वो चांस कैसे मिलते हैं ये है वीडियो के अंदर। ओके ओके अपने ने इसी करके दिया, एपक्स यूज करके कनेक्शन आउट मारो क्योंकि सेंटर स्प्लिट करने के लिए। इसके बाद रेड निकालने के लिए लेफ्ट टॉप में ऐसा मारूंगा। इसके बाद ये स्ट्राइकर प्लेस करना जगह ना वो गलत जगह था, देखो ये टच नहीं हुआ, देखो स्ट्राइट हो गया ओपोनेंट का पक्स में टच हुआ। ये मैच में लेफ्ट करके जाऊंगा। ओके ये मैच में हार गया तो भी मेरा 10 था, इसलिए मिनिमाइज करना। ओ ये 10 भी मुझको मिल गया, देखो मेरा कॉइंस, देखो आपको पता चल जाएगा ये लाइव प्रूफ वीडियो है। ये भी हमारा 10 है, इसलिए मिनिमाइज करना मत भूलिए। अब मैं फ्री स्टाइल नहीं कैरम्स चूज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी प्लेड था पहले वाला, इसलिए ये भी मेरा 10 मिल गया। कैसे 10 मिलता है देखो फ्रेंड्स, ये फिनिशिंग शॉट देखो, बहुत ही कटबट शॉट है ये, ठीक से करना है। ये भी हम जीत चुका है, मेरा 10 था, मिनिमाइज करना। उसके बाद मैं फ्री स्टाइल चूज करूँगा क्योंकि मेरा 10 था पहले, तो कंटिन्यू 10 फिर से मिलने का चांस। देखो ये ऐसे मैं ब्रेक करूँगा, फटाफट से फिनिश करके दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी बिन चुका है, देखो राउडी भाई को और देख गया। ओके ये भी मेरा 10 था, मिनिमाइज करना। मैं फ्री स्टाइल चूज किया है, ओ ये देखो मुझको 10 फिर से मिल गया, वाओ ऐसे ब्रेक करूंगा लेफ्ट टॉप में। ओके फिनिश करके दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यह मैच भी फ्री स्टाइल है, इसलिए जल्दी से विन हो चुका है, मिनिमाइज करना है, मेरा 10 था। तो मैं यहाँ कैरम चूज करूँगा, यह डुप्लीकेट राउडी बाइक के साथ है, यह भी हमको 10 मिल चुका है गाइस। यहाँ हम दो पक्स निकल चुका है, मगर मैं ये गलत करूँगा, यह फाउल जाएगा मेरा, देखो कैसे फाउल होता है यार, ये रैंडम क्रेजी शॉट था, ऐसा मारना नहीं था। देखो ओपनर भाई ने क्या क्या शॉट मार रहा है, देखो ये। तो मैं ऐसे लीव करूँगा मैच, इतनी सारा 10 हमको मिल चुका है, तो नेक्स्ट से ओपनर को मिलने का चांस है। अगर मेरा ये वीडियो सबको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर टू कंटिन्यू वीडियोस।